पर आज हम लोग इलिप्स पे बात करेंगे, ठीक है। और इलिप्स देखो, इसकी डिफिनेशन ध्यानपूर्वक सुनना। यहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, टू फिक्स्ड पॉइंट प्लेन के अंदर। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट एफ वन है, एक फिक्स्ड पॉइंट एफ टू है, ठीक है। अब आपके पास एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है। वो मूविंग पॉइंट पी वन है, ठीक है, पी टू है, पी थ्री है, ऐसे मूविंग पॉइंट है। तो इन्होंने कहा है कि जो आपका मूविंग पॉइंट है उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, यानी पी वन का एफ वन से डिस्टेंस, पी वन का एफ टू से डिस्टेंस, ठीक है, आप निकाल लीजिए और फिर उनका क्या कीजिए, सम कीजिए, ठीक। ये तो हो गया पी वन के। और ऐसे ही जो दूसरा मूविंग पॉइंट पी टू है उसका एफ वन से डिस्टेंस, पी टू का एफ टू से डिस्टेंस, फिर इसका सम कर लो। तो इस तरीके से ये तो इसका हो गया पी टू के केस में, ये पी वन के अकॉर्डिंग है। अब पी थ्री के अकॉर्डिंग पी एफ वन और पी एफ थ्री, ये सम, इनका सम जो होगा वह सदैव कांस्टेंट होगा, ठीक है। ऐसे सभी पॉइंट्स, जैसे यहाँ पी वन, पी टू, पी थ्री, ऐसे ऑल पॉइंट्स, उन सब का सेट क्या कहलाएगा, इलिप्स, ठीक है। यहाँ पर दो फोकस पॉइंट हैं, इसलिए उसको हम एफ वन एफ टू दोनों को मिलाकर फोकाई कहा जाता है, ठीक है। फोकाई जो है फोकस का प्लूरल है, ओके। यहाँ पर नोट में ये बताया है कि द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सदैव अधिक होगा, किससे अधिक होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दो जो ये दो फिक्स्ड पॉइंट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको याद रखना है कि आप फोकाई, जिसे यहाँ फोकाई एफ वन है, यहाँ एफ टू है, फोकाई को आप ज्वाइन कराएं, तो ज्वाइन करा दीजिए ऐसे। ज्वाइन कराने के बाद ये बन गई लाइन सेगमेंट। अब इसका मिड पॉइंट ओ है, इसे सेंटर कहा जाएगा, ठीक है। यह सेंटर किसका कहलाएगा, इलिप्स का, ओके। आगे सुनिए, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, यानी कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो फोकाई से पास करे उसे आप क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस कहेंगे। कहने का मतलब ये जो आपकी है इसे आप मेजर एक्सिस कहेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, यहाँ पर देखो इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। इसे आप क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस, ओके। फिर आगे सुनिए, एंड द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर से पास करे, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो मेजर एक्सिस पर, सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर हो किस पर, मेजर एक्सिस पर, 90 डिग्री बनाए। तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे आप, माइनर एक्सिस बोलेंगे, यानी कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस, यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है, ओके, ये आपका माइनर एक्सिस है, ठीक। अच्छा, आप फिर आगे सुनिए, आप द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस, यानी मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट क्या है, ये ए है, ये बी है, इसे आप वर्टिस कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्टेक्स, दोनों को मिलाकर वर्टिसेस कहा जाता है, किसका, इलिप्स का, ठीक। यह बात क्लियर है। अब आपको यह बात समझ में आ गई है कि जो पॉइंट ओ है
वो यफ वन यफ टू का मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग यफ वन से यफ टू का डिस्टेंस ये कंसीडर कर लें कि ये सी है और तो ये भी सी हो जाएगा, तो दोनों को मिला के कितना बोला जाएगा, दोनों को मिलाकर 2c बोला जाएगा, यानी कि यफ वन यफ टू के बीच का डिस्टेंस 2c, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा b है और नीचे भी b है, तो दोनों को मिला कर क्या बोला जाएगा, 2b बोला जाएगा, यानी कि ये पॉइंट c, ये पॉइंट d, ये CD का लेंथ कितनी होगी, 2b। वैसे ही ए और बी, यहाँ से ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कितना है, ए है, ठीक है। अब ए यहाँ भी है, तो दोनों को मिलाकर यानी ए से बी का डिस्टेंस कहलाएगा 2a। ओके, आप कैसे इसको बोलेंगे उसको सुनो। 2a को आप कहेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक। 2b को आप कहेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और 2c को आप कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। ओके, अच्छा, अब 2a का हाफ a क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। 2b का हाफ कहलाएगा सेमी माइनर एक्सिस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखें आप रिलेशनशिप बिटवीन द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। कहने का मतलब आपको सेमी मेजर एक्सिस का मतलब ए, सेमी माइनर एक्सिस का मतलब बी, और डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर का मतलब सी। इन तीनों के बीच में क्या देखना है, रिलेशन, ए बी सी के बीच में रिलेशन। ओके, तो आप यहाँ पर जो टेक ए पॉइंट पी एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी कि यह पॉइंट पी लिया गया है, यह मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है, ठीक। अब सुनो आप, हम लोग यह पी मूविंग पॉइंट है, तो मूविंग पॉइंट का यफ वन से डिस्टेंस यानी यफ वन पी, ठीक है। अब मूविंग पॉइंट का यफ टू से डिस्टेंस यानी कि पी यफ टू, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, यफ वन पी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, डिस्टेंस ए है, यानी कि यफ वन पी को हम लिखने जा रहे हैं, यफ वन पी आपका ओ पी है, ओ पी, और फिर ओ यफ वन प्लस ओ यफ वन, यह बात हो गया किसका, यफ वन पी का, यफ वन पी को आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये आपका है पी यफ टू, ये आपका है पी यफ टू यानी कि ये डिस्टेंस हमको बताना है, तो हम पहले क्या करते हैं, ओपी को लिख लेते हैं, ओपी को लिख लिया, और फिर ओपी में से यफ टू को क्या निकाल, सबट्रैक्ट करा देते हैं, माइनस ओ यफ टू, ये हमारा बन गया पी यफ टू बन गया, ये पी यफ टू बन गया, ठीक है। अब देखो ओपी कितना है, ओपी यहाँ से यहाँ तक ये आपका ए है, तो ओपी तो आपका ए हो गया। ओ यफ वन देखो कहाँ से कहाँ तक ये है, ये तो आपका सी है, तो प्लस सी हो गया। ओपी आपका फिर से ए हो गया, और ओ यफ टू आपका सी हो गया, तो माइनस सी हो गया। तो अब तुम देख सकते हो आपका ये माइनस सी ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए आपका 2a आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ कन्फर्म हो गई, मूविंग पॉइंट ये आपका मूविंग पॉइंट है पी, ठीक है। मूविंग पॉइंट का यफ वन से डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट का यफ टू से डिस्टेंस, दोनों का सम कितना आएगा, 2a आएगा।
अब ये हम जानते हैं इसका सम क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो कहने का मतलब कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया, 2a के इक्वल हो गया। यह बात अपने माइंड में आप बैठा लीजिए। ठीक, अब ठीक ऐसे ही हमारे पास एक पॉइंट q है, ये भी मूविंग पॉइंट है। ठीक है, q का यफ वन से डिस्टेंस, q का यफ वन से डिस्टेंस, फिर q का यफ टू से डिस्टेंस। ठीक है, यफ वन से डिस्टेंस, यफ टू से डिस्टेंस, दोनों का सम क्या आएगा, ये भी कांस्टेंट आएगा, ये भी किसके इक्वल आएगा, 2a के इक्वल आएगा। ठीक है, बट अगर आप इस फिगर से देखा जाए, इस फिगर से देखा जाए तो q यफ वन आपका रूट बी स्क्वायर प्लस सी है, रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। और q यफ इस फिगर से देखा जाए तो ये आपका रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों हमारे रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, प्लस ये भी रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ये ठीक है, यानी कि दोनों लेंथ इक्वल है, तो लेंथ इक्वल है तो इसको टू टाइम्स लिख सकते हो, टू टाइम्स रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये दोनों ये किसके इक्वल हैं, ये 2a के इक्वल हैं। अब आप 2 से कैंसिल करा दो तो ये आपका आ गया रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया। स्क्वायरिंग करा दो तो इधर से रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर निकल के आपका आ जाएगा, सी स्क्वायर निकल का आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है। ओके, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। ठीक, यहाँ पर यह बात लिखी गई है। तो ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है सी स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये रिलेशन है। अब आगे चलकर आप देखें स्पेशल केस। स्पेशल केस में सी स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इन द इक्वेशन सी स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑब्टेंड एबव, इफ वी कीप ए फिक्स्ड एंड वेरी सी फ्रॉम जीरो टू ए। ठीक है, अच्छा, केस वन में यदि सी जीरो हो जाए तो ए स्क्वायर इजल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे केस में ए इजल टू बी हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा, एलिप्स बिकम्स सर्कल। ठीक, केस टू, यदि c इक्वल टू a हो जाए और b आपका जीरो हो जाए तब आपका एलिप्स रिड्यूस टू द लाइन सेगमेंट f1 f2 जॉइनिंग टू फोकी। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। बस भाई टेंशन भाई, यही बात यहाँ पर नोट में बोला गया है कि एलिप्स के केस में ये आपका अधिक होना चाहिए। ठीक है, ओके, इस बात को आप देख सकते हैं। देखो ये यफ वन यफ टू का सम कितना है, यफ वन यफ टू का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 2c है। ठीक है, और ए बी का डिस्टेंस कितना है, 2a है। तो ये यहाँ से ये पूरा 2a है और ये 2c है, तो किसका डिस्टेंस अधिक है, ये 2a का डिस्टेंस अधिक है। तो यही बात यहाँ बोला गया है। ठीक है, अब आप आ जाएं इसेंट्रिसिटी पर। इसेंट्रिसिटी के लिए ये आप रिजल्ट याद रखें, जो ई होता है वह रेशियो होता है सी और ए का। ठीक है, सी क्या है आपका, सी आपका डिस्टेंस है, कहाँ से डिस्टेंस है, फ्रॉम दिस सेंटर। ठीक है, ऑफ द एलिप्स ऑफ वन ऑफ द फोकी। ओके, और ए क्या है आपका, ये आपका है सेमी मेजर एक्सिस है। ओके, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, दोनों का रेशियो क्या है, ई है, ई को मतलब इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलकर देखो आप यहाँ पर एलिप्स का इक्वेशन ये होगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन।
ठीक है, इसका फिगर इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम लैटस रेक्टम पर बात करेंगे। लैटस रेक्टम के लिए क्या करते हैं, ये इस एलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ओके, सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस ए से यफ, ए टू यफ टू, ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल एल है। ठीक है, अब तुम जानते हो यफ टू का कोऑर्डिनेट जानते हो क्या होता है, सी कामा जीरो होता है, यानी सी पे वैल्यू कितना होगा, वो एल होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं सी कामा एल। ठीक है, सी क्या होता है, सी आपका ए ई होता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट को आप, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। आप एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर ए ई रख पुट कीजिए और वाई के पोजीशन पर एल पुट कीजिए, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एल स्क्वायर आप बता सकते हैं, ये आपका आएगा बी स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको लिख सकते हैं, आप जानते हैं ई स्क्वायर आपका होता है सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आप इसको लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया अपान ए स्क्वायर, अलग अलग कर लेंगे तो वन अपान हो जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये तो आपका ई स्क्वायर आ गया, तो यहाँ वैल्यू ये डाल देंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर बी पावर फोर अपान ए स्क्वायर, तो एल आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए। ये लेंथ यहाँ तक मिली, ये इसकी लेंथ कितनी आ गई, इसकी लेंथ आ गई बी स्क्वायर अपान ए, तो ये ठीक डबल, ये भी उतना ही होगा। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी की लेंथ हो जाएगी टू बी स्क्वायर अपान ए। अब इसे आप लैटस रेक्टम बोलते हो, क्यों, क्योंकि फोकस पे परपेंडिकुलर है, जो लाइन फोकस पे परपेंडिकुलर होती है उसे हम लैटस रेक्टम कहते हैं। तो इस तरीके से लैटस रेक्टम आपका कितना आ गया, टू बी स्क्वायर अपान ए आ गया। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, इस एग्जाम्पल में आपसे बात कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई वर्टिसेस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसेंट्रिसिटी एंड लैटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ठीक, तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमको दिया गया है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इजिकल टू वन। अब कंपेयरिंग कराओ तो आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर आपका 25 है, बी स्क्वायर आपका 9 है। ठीक है, तो यहाँ से ए आपका निकल गया 5 और बी निकल के आ गया आपका 3। ठीक है, अब एक बात ये भी ध्यान दें, तो फिगर आपका ठीक ऐसे बनेगा फिगर। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ से ये लेंथ हमको पता चल गई है, ये लेंथ हमारी है 5। ठीक है, टोटल ये लेंथ 5 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5, 0। ठीक, और यहीं से ये सेंटर है, तो यहाँ से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, तो इसका -5, 0 हो गई। ठीक है, ये तो हमारा क्या निकल गया, ये हमारा वर्टिसेस आ गया 5, -5, 0। ओके, ये आपका ये सेंटर होगा 0, 0। ओके, अब आप ध्यान दें, अगर पूरी लेंथ की बात की जाए तो पूरी लेंथ हमारी हो जाएगी 5 + 5, ये 10 हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहेंगे। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, अब यहाँ से बी कितना है, 3 है, तो यानी कि ये जो लाइन होगी ये आपका लेंथ 3 होगा, और ठीक इसके नीचे भी कितना होगा, 3 होगा।
तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, इसे क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस कहेंगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी के लिए आपको चाहिए E = C/A। अभी तो C नहीं पता है, लेकिन हमको ये ज़रूर पता है कि A और B हमको मालूम है, तो C बता सकते हैं कैसे, C² = ये होता है A² - B² A² आपका पास है 25, तो ये 25 हो गया, माइनस B² आपका 9 है, ये आ गया 16, तो C आपका आ गया ±4 आ गया। ओके, ये आ गया C आपका ±4 आ गया। ठीक है, ±4 का मतलब कि आपका यह पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया -4, 0, ये फोकाई आ गया। ठीक है, तो फोकाई कोऑर्डिनेट आपको मिल गए +-4, 0। ओके, अब फोकाई सी पता चल गया, तो ई आप बता सकते हो ई कितना होगा, सी कितना है, सी 4 है, ए आपका 5 है, तो ये आपका इसेंट्रिसिटी हो गया। ओके, अब आपका नंबर आता है लैटस रेक्टम का, लैटस रेक्टम के लिए फार्मूला आपका है 2B² / A, तो 2B² कितना है, B² 9 है, तो मल्टीप्लाई 9 / A कितना है, ये आपका 5 है, तो ये हो गया 18/5। ठीक है, ये सारे रिजल्ट आ गए, तो यहाँ पर ये सारे रिजल्ट लिखे गए हैं। ओके।